मौजूद नाजरीन, आप तमाम का यूट्यूब चैनल में खैर मुकदम है। नाजरीन, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अभी 500 रुपए की गैस का कोई ऐलान नहीं आया, ना तो ये केवाईसी जो आप लोग लाइनों में ठहर कर करा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मरकज की जानिब से आया सो ऐलान है, और जो लोग मरकज से आने वाली सब्सिडी को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो अपनी केवाईसी कराएं, और साथ ही साथ वो लोगों को भी कराना है जो लोग गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एचपी की हो, भारत की हो, इंडियन की हो, इन तमाम को केवाईसी कराना है। मगर मरकज की जानिब से जो ऐलान आया उससे ये वाजे होता है कि अब आपकी केवाईसी आपके घर पर होगी, आपकी केवाईसी को आपके पास जो शख्स गैस सिलेंडर की डिलीवरी देने आता है वो शख्स आपकी केवाईसी को करेगा। मैं फिर एक बार नाजरीन को बता दूं कि आपकी केवाईसी आप ही के घर पर होगी, बशर्त यह है कि आपको उस वक्त मौजूद होना पड़ेगा, आपकी वीडियो केवाईसी होगी, आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे, साथ ही साथ एरीज यानी कि आंखों के जो निशान होते हैं उसे लेने की कोशिश की जाएगी। और अगर किसी के एरीज यानी कि आंखों का या थंब इम्प्रेशन या वीडियो केवाईसी नहीं होती है तो जब उसे एजेंसी तलब किया जाएगा। मैं फिर एक बार वो अवाम को वाज़े तौर पे कह दूं कि रियासती स्कीम और मरकजी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। अभी रियासत में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने किसी किस्म का ऐलान नहीं किया कि कब से गैस दी जाएगी, क्या सब्सिडी अकाउंट में आएगी या सीधा सीधा 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और सिलेंडर किसको मिलेगा। राशन कार्ड को लेके बार बार सोशल मीडिया में मुख्तलिफ अपडेट चल रहे हैं। अभी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसी किस्म का राशन कार्ड को लेकर भी कोई ऐलान अभी सामने नहीं आया। हाँ, आप जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अपना फॉर्म फिल कर रखें, ताकि जब भी मौका आए, जब भी वेबसाइट ओपन हो, आप जरूर अपने राशन कार्ड की एप्लीकेशन डालें, क्योंकि राशन कार्ड एक अहम डॉक्यूमेंट है। इससे आपके माइनॉरिटी का लोन हो या कोई और लोन हो या स्कॉलरशिप हो या महालक्ष्मी स्कीम हो या गैस की सब्सिडी हो, ये तमाम तर चीजें जुड़ी होगी। मैं तमाम देखने वालों से एक जरूरी अपील ये करूंगा कि आप अपने दोस्त अहबाब को भी राकिब करें कि वो राशन कार्ड बनाए, क्योंकि राशन कार्ड एक अहम हिस्सा है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं या कोई ऐसी हुकूमत की स्कीम को लेने जाते हैं तो आपसे ये तलब किया जाएगा कि क्या आपका राशन कार्ड अपडेट है। और साथ ही साथ उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा जो लोग राशन कार्ड तो है मगर उनके राशन कार्ड किसी ना किसी वजह से बंद हो चुके हैं, वो लोग भी जरूर अपडेट करें। साथ ही साथ आपसे अदबन गुजारिश है कि हमारी सहाफत की मदद वजाई के लिए जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका मेजबान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मां आपसे इजाजत लेता हूं और उम्मीद करूंगा कि हम आप तक वो खबरें पहुंचा सके जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ी है। खुदा हाफिज़।